नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एसडीएम सुभाष चंद्र ने अधिकारियों के साथ रतिया क्षेत्र में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने रंगोई नाला, अनाज मंडी रतिया और नंदीशाला का निरीक्षण करते हुए वहां की जानकारी ली और किसानों की समस्याओं को सुना। इसके साथ ही एसडीएम सुभाष चंद्र ने निरीक्षण के दौरान मंडी में धान की आवक के तहत रजिस्ट्रारों के साथ मिलान किया। उन्होंने बताया कि घग्गर का पानी ओवरफ्लो होने की स्थिति में रंगोई नाले में प्रवेश करता है, क्योंकि रंगोई नाला जमीनी लेवल पर बना हुआ है। एसडीएम सुभाष चंद्र ने रंगोई नाले पर पुल बनने के कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।